तुलसी की चटनी तैयार है। तुलसी की चटनी के बहुत फ़ायदे हैं, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ चटनी, और चटनी नियाज़बो है, नियाज़बो की चटनी है, इसे तुलसी भी कहते हैं। ये लिए और ये इसके सिर्फ पत्ते डालने, इसके फूल वगैरह ये नहीं डालने। और पुदीना है, सब्ज़ धनिया है, और ये सब्ज़ मिर्ची है, और दो लीमू है, इनका जूस डालना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पत्ते किस तरह काटने। ये देखिए, इसके सारे पत्ते इस तरह तोड़ के, पुदीने के भी, और ये फूल को निकाल देना है। इसके अंदर ना चाहिए कड़वा बनती चटनी इसके। ये पुदीना और पत्ते, ये सारा कुछ तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब के पत्ते तोड़ लिए, ये देखिए पुदीने और ये नियाज़बो के, और धनिया और सब्ज़ मिर्ची वगैरह, इन सबको पानी में अच्छी तरह धोना है 3 मरतबा। एक पानी से धोकर अब दूसरे पानी में धोना है, और इसी तरह 3 पानी में धोकर फिर इसकी चटनी बनानी, ताकि सारी जो मिट्टी डस्ट वगैरह वो निकल जाए। अब फिर तीसरे पानी से धोना है। अब ये तीसरे पानी में से निकाल कर ग्राइंड में डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच लीमू का जूस डाल देना है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। चटनी तैयार है, मैं डिश आउट करती हूँ। तुलसी की चटनी तैयार है। तुलसी की चटनी के बहुत फ़ायदे हैं, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।